इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह जो है सेंटोस पर हम अपना पाई होल सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि हमारा हम अपने ट्रक में बहुत सी जो चीज़ें हैं जिसको ब्लॉक करना चाहें उनको ब्लॉक कर सकें, या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकें। ठीक है, इस मकसद के लिए सबसे पहले हम अपना देखते हैं हमारा आईपी एड्रेस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.1.1.1। ठीक है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। और सबसे पहले कमांड जो आपने लगानी है अपने सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद, वो है यम अपडेट। ये कमांड क्या करेगी, ये इंटरनेट से जो है अपनी सर्विसेज, लेटेस्ट जो सर्विसेज और जो पैक्स हैं वो डाउनलोड करेगी, या अपडेट्स हैं जो डाउनलोड करेगी, और आपको फुली अपडेटेड जो है सिस्टम देगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने अपनी सिक लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल करना है। तो इस मकसद के लिए आप नैनो कॉन्फ़िग इस फाइल को हमने एडिट करना है, और यहाँ पर जो है हमने इन्फोर्सिंग की जगह हमने डिसेबल लिख देना है, वरना ये हमें अपना पाई होल को नहीं इंस्टॉल करने देगी। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है कंट्रोल ओ, तो ये सेव हो गया। अब हम अपने सिस्टम को एक दफ़ा रिस्टार्ट करते हैं। तो ये कमांडें हैं हमारी, जैसे यम अपडेट, नैनो के बाद जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो डिसेबल की, सिक्लिनस से डिसेबल की हमने, कंट्रोल ओ दबाया, सेव किया और रिबूट किया। आईपी एड्रेस हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया कि 1.1 है, 1.11 है। अब हम जो है अपना अपना पाई होल की जो सर्विस है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये नेट से जाएगी और हमारे लिए जो है पाई होल का जो वर्जन है, देखें ये डाउनलोड होगा, तो इसका मतलब एक इंटरनेट की एक्सेस जो है आपको चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बाद विजिट भी चलेगा। तो पहले जो है हम अपना पाई होल को इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपने आईपी वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो है नेट से इसका पैक डाउनलोड होगा और फिर इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। इसी तरह हम इस इमेज को देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल किया है। तो ये अगर आप देखें, ये सिक्योर बूट इस्तेमाल नहीं किया, 4 GB रैम है, जबकि ये बहुत ज़्यादा है। आप 2 GB पे इसको चला सकते हैं, 4 CPU भी बहुत ज़्यादा है, 2 CPUs पे आप इसको चला सकते हैं। एक हार्ड डिस्क है और एक्सटर्नल इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, जनरेशन 2 की मशीन है और बाकी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चेक पॉइंट मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो आप हिम्मत कीजिए अनटेनिस के आप ट्राई कर रहे हैं कुछ। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऑफकोर्स आप इसको रखेंगे, मतलब इसको 30 सेकंड के बाद जैसे आपका हैपर वी स्टार्ट होता है, और सेम ही आपने शट डाउन का, कि मतलब जैसे ही मेरा सिस्टम जो है शट डाउन हो, तो ये पाई होल भी जो है वो, ये वर्चुअल मशीन भी ये शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पाई होल का जो पैक है वो इस वक्त अभी डाउनलोड हो रहा है, और अभी हमारा विजिट जो है वो चलेगा। ओके करें। ये आपसे पूछे कि आपका अपस्ट्रीम जो सर्वर है वो कौन सा होगा। बेस्ट जो इस वक्त चल रहा है वो है Cod9 फिल्टर, तो जो कि आपके लिए मालवेयर को भी रोकता है। तो मैं इसको करता हूँ और टैब दबा के ओके करता हूँ। IPv6 पर अगर मुझे नहीं चाहिए,
तो इसको ओके करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि स्टैटिक आईपी चाहिए या डायनामिक आईपी। फिलहाल मेरी डायनामिक आईपी है, तो मैं मुझे स्टैटिक चाहिए, तो मैं नो पे क्लिक करके मैं जो भी मेरा आईपी एड्रेस है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। कंसिडर करें कि यहाँ पर लिखें कि 120 ओके करते हैं। गेटवे हमारा यही है, यस क्लिक करते हैं, ओके टैब दबा के ओके, टैब दबा के ओके और टैब दबा के ओके। तो ये क्या होगा कि हमारा ये पाई होल जो है ये अभी इंस्टॉल होगा। इसी दौरान एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक इशू आ सकता है, वो ये है कि जब हमने इस फाइल को एडिट किया था नैनो के ज़रिए, नैनो के टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए, और हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी डिसेबल, तो हमने सिर्फ कंट्रोल ओ दबाकर हमने एग्जिट कर दिया था या रिस्टार्ट कर दिया था। तो आप क्या करें कि जैसे आप डिसेबल लिखें उसके बाद नीचे आएँ और कंट्रोल ओ दबाएँ और उसके बाद कंट्रोल एक्स दबाएँ ताकि आप उस एडिटर से निकल जाएँ, ठीक है, और फिर इंटर दबाएँ। उससे क्या होगा कि आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी और फिर जब आप ये बैश का स्क्रिप्ट रन करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा SC लिनक्स इन्फोर्सिंग का, ठीक है, और आपका आपकी इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो जाएगी सही। तो मैंने क्योंकि कंट्रोल एक्स नहीं दबाया था इसलिए मुझे इशू आ गया था SC लिनक्स इन्फोर्सिंग का। तो मैंने दोबारा इस फाइल को जो है एडिट किया, डिसेबल लिखा, कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स और इसके बाद रिबूट कर दिया। उसके बाद मैंने बैश का स्क्रिप्ट दबाया तो ये नेट से जो है वो डाउनलोड हो गया और जो है इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो गई, विजिट शुरू हो गया मेरे लिए। नेक्स्ट जो है जैसे ही आपका सिस्टम रिबूट होगा तो अगर पाई होल को आपने अपडेट करना है किसी नेक्स्ट वर्जन पर अगर अवेलेबल हो या फ्यूचर में कोई अवेलेबल हो तो आप पाई होल अप लिखें। पासवर्ड जो है डिफ़ॉल्ट को अगर आपने चेंज करना है तो पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमें एक और जो है पासवर्ड आएगा पाई होल के HTTP को एक्सेस करने के लिए, तो हम उससे पहले हम इसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर देंगे। ये पाई होल जो है बड़ी मतलब एक किस्म की बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको फ्री में जो है आपके लिए एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक होती हैं या आपके साथ ये मालवेयर की साइड या फिशिंग साइड वगैरह ब्लॉक होती हैं और आपका जो इंटरनेट फास्ट होता है और आपके पास कंट्रोल होता है कि जो भी चीज़ आप अलाउ करना चाहें या ब्लॉक करना चाहें अपने नेटवर्क में। तो फ्री की एक मतलब एक सर्विस है, आप इस्तेमाल कीजिए तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इंप्रूव होगी इसके साथ। सिंपल आपके अगर डोमेन एनवायरनमेंट में आपका डोमेन कंट्रोलर है तो उसका जो है फॉरवर्डर जो होता है जो इंटरनेट के लिए रिजॉल्व होता है एक्सटर्नल के लिए, उसकी आईपी एड्रेस आप दे दें इसको पाई होल की आईपी एड्रेस, और पाई होल ऑलरेडी जो है पाई होल पर इंटरनेट अलाउ करके DNS के लिए ट्रैफिक अलाउ करके आप इंटरनेट पे फेंकें अपने DNS पे यानी गूगल पे या आपकी Cod9 या इस तरह की कोई सर्विस जो है ताकि आपको बेटर सिक्योरिटी मिले DNS के थ्रू। तो आप देख सकते हैं हमें जो एक टेम्प्रेरी पासवर्ड दिया गया है जो कि ओके से ऊपर XDV_XSML लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल हम जो है एक दफ़ा इसको रिबूट करते हैं, रिबूट लिखा, इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएगा और मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट जो मेरे टास्क हैं वो मैं परफॉर्म करूँगा। तो नेक्स्ट टास्क पे जो है हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, इवन यम अपडेट को अगर अपने सिस्टम को OS को अपडेट करना है तो यम अपडेट है, लेकिन अगर अपने पाई होल को अपडेट करना है तो पाई अप है, ठीक है। तो हम लिखते हैं रूट, पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, पाई होल डैश अप। इसे अगर पाई होल का कोई फ्यूचर में भी वर्जन आ रहा हो या आ गया हो उसको आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर यम स्पेस अपडेट लिखाऊंगा तो वो हमारी CentOS को अपडेट करेगा। सेम टू सेम sudo / get अपडेट जो है वो हमारी DBN सर्विस के लिए है, ठीक है। anyway, everything is up to date, so
यम अपडेट भी लिख लेते हैं, अगर कोई पैकेज पुराना हो तो वो भी अपडेट हो जाएगा, इसका मतलब ये यम अपडेट भी अपडेटेड है। अब जो है हम पासवर्ड चेंज करते हैं, तो पासवर्ड के लिए जो मैंने आपको बताया कि क्या है पाई होल डैश ए डैश पी, ठीक है, ये पाई होल डैश ए डैश पी, ठीक है, ये पाई होल का पासवर्ड जो है जो वेब एडमिन होगा उसकी उसका पासवर्ड है जो हम चेंज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड रखें, मैंने जो विंडोज़ का या जो ओएस का पासवर्ड है वही मैंने वो रखा है, ठीक है। तो अभी जो है हमें एडिशनली एक और टास्क करना पड़ेगा, वो है कि हमने फायरवॉल पे पोर्ट 80 अलाउ करनी है, और फिर जो है हमने रीलोड करना है इसको, ठीक है, फायरवॉल को। टाइम जोन जो है वो भी साथ में हमने चेंज करना है, तो सबसे पहले हम टाइम जोन को चेंज कर लेते हैं। टाइम डेट सी टी एल सेट टाइम जोन एशिया मस्कत, इस तरह अगर पाकिस्तान में सी यू टी आई थिंक सी ए टी लेट सी मस्कत एम यू एस सी ए टी, ठीक है, तो इंटर करते हैं, इससे हमारा टाइम जोन जो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनटीपी सर्विस अभी स्टार्ट नहीं है, मे बी इट नीड टू रीबूट। सो एनीवे अभी हम अगर आप एक्सेस करें, हमारा सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है, आईपी ए, तो हमारा आईपी है 120, लेकिन अगर मैं 120 को एक्सेस करना चाहूँ तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी फायरवॉल में हमने अलाउ नहीं किया, तो फायरवॉल ऑन है सिंपल अल्फाज में, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड है फायरवॉल डैश सी एम डी डैश डैश एट पोर्ट 80 स्लैश टी सी पी परमानेंट, ठीक, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फायरवॉल सी एम डी डैश ए डबल डी एट डैश पोर्ट इज इक्वल टू 80, हम पोर्ट 80 खोलना चाह रहे हैं, टी सी पी परमानेंट, परमानेंट, ठीक है, हो गया, रिबूट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन केस आपका डीएससीपी है सर्वर, डीएससीपी से आपके आईपी एड्रेस चेंज होती रहती है, अब आपने आईपी एड्रेस देख लिया है चेंज हो गया आपके एड्रेस फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट टाइम आपने किसी और एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, या आईपी चेंज हो गया, अभी चेंज आईपी रखना चाह रहे हैं, आपने स्टैटिक आईपी नहीं चेंज किया, तो पाई होल माइनस आर आर, तो ये हमसे पूछेगा कि नए आईपी एड्रेस आप चाहते हैं कि यही हो, तो आप बता दें जी हाँ, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम अपने सिस्टम को एक्सेस करते हैं, देखें कि हमारा सिस्टम खुद बहुत ही चल गया, मतलब हमने फायरवॉल की पोर्ट खोली तो हमारा सिस्टम खुद बहुत ही ऑन हो गया। तो ये पासवर्ड जो हमने चेंज किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही पासवर्ड लिखना है, ठीक है, तो हमारा पाई होल सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब आप एडिशनली जो है आप अपनी लिस्ट वगैरह को, जो भी आपकी लिस्ट है, अपनी सेटिंग वगैरह का आप डिसेबल इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अगर आपने कोई एडिशनल लिस्ट आपको आई है तो आप यहाँ पे उसको ऐड करें, सर्च करें, अप्लाई करें, और फ्यूचर में अगर इनकेस आपने उसको अपडेट करना है तो आप यहाँ पर टूल्स में आके ग्रेविटी अपडेट कर लें। अगर आपने टेम्प्रेरी किसी चीज़ को डिसेबल करना है, कोई वेबसाइट जो है वो नहीं चल रही, तो आप टेम्प्रेरी जो है उसको यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आपने अपडेट मारना है तो आप ग्रेविटी को आप अपडेट कर लें, इस तरह आपकी अपडेट आपकी जो अप्लायंस है ये अपडेट होगी, ये न्यू जाएगी, न्यू डोमेन जो लिस्ट आपने ब्लॉक लिस्ट दिया है उससे न्यू डोमेन उठाएगी और अपने पास अपने कैश में रख लेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये मतलब फॉर एवर अप्लायंस चलने वाली है,
मतलब कि इन अ सेंस इसको ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसको इतनी रैम वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर मैं सेटिंग पे आऊँ, अभी ये नेट से डाउनलोड हो रही है, सेटिंग पर अगर आएँ तो आपको सेटिंग में आप DNS डाल सकते हैं, आपकी आपकी जो लिस्ट है वो नई, ठीक है। और साथ में फॉर एग्जांपल सेटिंग पे आके आपने फॉर एग्जांपल DNS जो है आपका अपस्ट्रीम DNS जो है जो हमने ड्यूरिंग जो इंस्ट्रक्शन सेट किया था आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपने कोई और एडिशनल है कहीं से परचेज़ किया तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये जो आपको दिए गए हैं आप इन्हीं को इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में जो है आपने अगर मेंटेनेंस करनी है किसी की किसी चीज़ की, देखिए मेरी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कुछ भी नहीं, ठीक है। फ्लश लॉक्स, अगर आपने लॉक को फ्लश कर रहा है और देखें कितनी कितनी रैम इस्तेमाल हो रही है मेरे सिस्टम की, ठीक है, कुछ भी नहीं जो आप इस्तेमाल हो रहा। तो आप अपने DNS को जो है DNS सर्विस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्दर आप जो है इंटरनेट से इसकी वो ले सकते हैं कि किस तरह जो है आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कहाँ से आप लिस्टें जो है डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखें एक साथ चीज़ के, हमेशा लेटेस्ट जो लिस्ट होगी आप वो जो है जो अपडेट हो रही हो आप उसको ही डाउनलोड करें, ना कि पुरानी लिस्टें जिससे आपको कोई फ़ायदा ना पहुँचे।